आज का रेसिपी है ये दालनी रेसिपी यन बरन और वाकरन स्मोक पोर्क और ये छोटा छोटा गारो हिल्स में मिलने वाली बैगन है ये। बहुत ही अच्छा है, बहुत ही टेस्टी है ये खप्पा बनाने में, बहुत ही बढ़िया लगता है ये खप्पा बनाने में। इसको हम स्मोक पोर्क के साथ बनाएंगे। चलिए बनाना शुरू करते हैं। बारन को रखते रखेंगे सुगल सिंगी रात बनाया दिबांग आरे सुकाली रात गंगे ये नक्का बारन को दे फक 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 आगे। इसको हम दो डिवाइड करेंगे। पहले दो के कटने से भी अच्छा है, लेकिन हम अक्सर दो दो पहले कट के दोता है। बहुत ही अच्छा और बहुत ही टेस्टी बनता है ये खप्पा बनाने में। लोकल बरंग लोकल बैगन यह रत्न आया है वाकरन को बा सुकल मजो। यह हमने धो लिया है और कट भी लिया है छोटे छोटे पीस में। इसको हम अभी खप्पा बनाएंगे। इसमें हम मिर्चा डालेंगे, मिर्चा डालेंगे इसके अलावा कुछ भी नहीं डालेंगे हम। मिर्चा जिंजर नहीं डालेंगे आज, डाले इचिंग सकवा ऑनिमन। यह हो चुका है, अब हम इसमें कुकिंग सोडा ऐड करेंगे। अरे सोडा को इसका तक और उसके बाद हम इसमें नमक स्वाद अनुसार ऐड करेंगे। चलिए ये हो गया है, अभी इसको गैस में बिठाएगा। अरे छना तक नो ये हमने गैस में बिठा दिया है, छना तया है छोटा नो। अभी मिक्स करेंगे अच्छे से, इसको ऐसे ही सोते करेंगे क्योंकि ये स्मोक पोर्क है, इसका पानी नहीं आएगा क्योंकि ये सूख चुका है। ये ड्राई ओंगमन डांगमन ओंगमन इन दे छियों खत जावा हा दुबाला नि छियों सन ओय नो कि कदा दिन केन छो ले रखो गेन। जैसे इसको मिक्स करेंगे, तब तक मिक्स करेंगे ये कढ़ाई ड्राई हो ना जाए, मिक्स अगेन। यहाँ रखने हाँ यहाँ निबो जा लगते वाकनी मतलब नान मुनंग रखने हाँ। देखिए ये मिर्चा भी फोक का ऑयल से ही पकना शुरू हो चुका है। ये देखिए ये ड्राई हो रहा है। ये हो चुका है, अब हम इसमें पानी डालेंगे। चिराते नो अंगीजा ये देखे इसका कलर मिर्चा का कलर भी आ गया है। अब पोर्क को गलने के लिए पानी इसमें डालेंगे। वक मना चीक वक्न ये हो चुका है, अब हम इसको पोर्क गलने के लिए रखेंगे मीट पकने के लिए। वक मना दोनों आएगा ना दे वक मनानी जमान निकलाएगा ना। मिलते हैं ये पोर्क पकने के बाद। इसको हम लो फ्लेम में करेंगे, लो फ्लेम में सूखे इनको दाओ मैंने हाई फ्लेम में सूखो दे छी सत पाएंगे नोम जवा बेन ये छी रुपा लुथाई थाने नागे नुनी मन लो फ्लेम में को सूखे आगे नो कसन सिंह गुप्तियों ने मनाई खंजो आरे सोदा बीजा को खबर खा रूंगा मैंने सोदा बीजा को खबर खाओ दे सोदा बीबा मेला नियमन खादे आदि खबर खा रूंगा नमने कपड़ा ने खबर खाई बस सोब मामूजा दिबा थी नमने गिजा हो सका रहते हैं। मैं कुकिंग सोडा डालने के बाद हम मैं खबर नहीं करता है सब्जी को। चलिए मिलते हैं पोर्क करने गलने के बाद।
Ya chit pang ya ha. In ba nok mai genok. ये पानी पूरा ड्राई होने वाला है, अभी भी थोड़ा सा बाकी है। हम अभी इसमें जो हमने ब्रिंजल बैंगन कट के रखा था उसको डालेंगे। अरे बारंग को काटा गया ना, ये हो चुका है। अभी डालेंगे बैंगन, बारंग को काटा यहाँ अच्छे से मिलाएंगे। मम्मी रख के अच्छे रखते कि नोक बारंग ना हम लोगे ना थंग दे नमन का। बहुत ही हमको ये बैंगन और स्मोक पोर्क का सब्जी बहुत ही पसंद है, बहुत ही खाने में अच्छा लगता है। अभी बैंगन को थोड़ा सा पोर्क के साथ मीट के साथ पकेंगे, पकने देंगे। या बारंग बा मनंग मनंग नक नक माय हा बारंग नी छिछियान बारंग कता लोग एम ना लोंगेन रनो कांगाया। बैंगन भी पकना शुरू हो गया है, ज्यादा इसको पानी के बिना सोते करने से ये टूट जाएगा। हमको टूटा हुआ बैंगन नहीं चाहिए, हमको ऐसे ही बैंगन चाहिए, इसलिए हम अभी इसमें पानी डालेंगे। आंगा नेक नंगा बारन खुदे नमने चाउ निमन छिखु रवा ताइनो गे छिग्री ओन गे जोई दोंग दे येरे बने काइगनो निमन बने किजा खो छाना छिरवा ताइगनो छिखो नागता। या ये हो जाएगा ग्रेवी के लिए पानी। इसको हम थोड़ा सा और पकने देंगे बैंगन को। अरे यहाँ छिदे देखो मनाता नो या चेन वाल खुरा खास नहीं थारक नाइगे। मीडियम फ्लेम में हम इसको पका रहा है, इसलिए जल्दी से गल जाएगा सब्जी। पोक तो वैसे भी गल चुका है, अभी ये बैंगन गलने के लिए रखेंगे। मिलते हैं बैंगन गलने के बाद और ये रेडी होने के बाद। नमीन गिटुआ हाँ बोगे नो, ये देखो पानी भी थोड़ा सा है, ये तो धीरे धीरे करके सूख जाएगा। बहुत ही कलर भी अच्छा आया है। हाँ अभी नमक और कुकिंग सोडा चेक करेंगे। नमक और कुकिंग सोडा भी अच्छा हो गया है, अब हम इसको सर्व करेंगे, अभी डिश आउट करेंगे। अरे साई गे नोक और गैस को बहुत खाता गेनोक, चलिए डिश आउट करते हैं। छाना रेडी हुए हैं, वक्रन खप्पा बारंग मंग लोंगेन थुआ हा लोंगेन नंगादे थाने छाथो नुचोक स्मल स्मल। ये हो चुका है, बन चुका है मेरा बैंगन और स्मोक पोर्क के साथ खप्पा बनाया हुआ। बहुत ही अच्छा है ये, ऐसा छोटा छोटा बैंगन के साथ खप्पा बनाने में स्मोक पोर्क बहुत ही अच्छा हुआ है। यहाँ डालना दे मिशन के पास अकांची कौन मिथिला। आज के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलेंगे नई रेसिपी के साथ। बाय बाय।